हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर एसएल वीडियो। एंड आज हमारा गेम इज बेसिकली गेम शो। टोटल 8 क्रिएटर्स हैं, चार चार की टीम होगी। तो गाइस, आज के गेम शोज का नाम होगा फैमिली फ्यूड। फैमिली फूड कोई नहीं, टाइटल में देख लेना, फ्यूड डाल दे ही डाल देना। हाँ, वही वही वही। जैसे आप देख रहे हो, मेरे लेफ्ट में चार की टीम बनी पड़ी है, एक्चुअली चार हैं यहाँ पे, और इस तरफ है एक और टीम। सो बेसिकली दो फैमिली की फ्यूड्स हैं, लेट्स कंटिन्यू टू आवर गेम वन। वेलकम टू गेम वन, जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग द क्रिएटर। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो दो टीम्स में एक बंदा आएगा, इसके दो राउंड्स होंगे, हर राउंड में एक बंदा आएगा जिसको ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा, उसको ओपोनेंट टीम के क्रिएटर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो फैमिलीज में यहाँ इलेक्शन हुई, यहाँ पे दो लीडर चूज किए गए हैं। सॉरी, तुम्हें अपने टीम से एक बंदे को भेजना है जो ब्लाइंड फोल्डेड होगा, और तुम लोग को प्रॉप्स बन के उसके सामने जाना है और उसको आइडेंटिफाई करना है। कुछ भी करो, कितने प्रॉप्स डालो अपने पे, बट उसको नहीं समझा। तो गाइस सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं झापड़ मार के गेस करूंगा, पता चल जाएगा कौन कौन। ठीक है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि देखो, ब्लाइंड फोल्ड होके कौन जा रहा है। सबसे पहले जाना चाहिए मेरे हिसाब से माफिया को, उसको एक्सपीरियंस है ज्यादा टच होने का, तो वो फायदा देगा। सबसे ज्यादा कौन होता है तो अपनी टीम में, वो है तो थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा अपने को कि कैसे इसको सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर कोई इसको टच किया तो उसको महसूस होगा कि क्या टच किया उसने। आज हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ही सुन लेंगे सामने वाले इधर। अबे मुंह में घुसाएगा क्या कैमरा? ओए हम लोग को मत देखो, ओए ये लोग देख रहे हैं हमको। अबे वो नहीं गेस करेंगे, बस माफिया करेगा। मेरा मेन ये कर, तभी जॉलाइन से पकड़ना पड़ेगा। सिर नाक लगा लो, नाक लगा लो, नाक लगा। जी मेरे को मत पता है, सीट गंदा, सीट के पे जान देगा। सीट भाई ये बनाओ के बाल काटो। मिस डायरेक्शन, कान खुद ही पहन इधर। अब कंफ्यूज करने के लिए अरे ये तो टकला बना है, टोपी थोड़ी है भाई। लेकिन ये कौन से प्रॉप में यूज होता होगा टकला बनने के लिए, मेरे को ये जानना है भाई। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, काल के लिए कुछ करो भाई। देख So guys, ग्रुप यार रेडी हो चुका है, ठीक है। हम जाते हैं माफिया को लेने। हमारे इस वाले फैमिली का फर्स्ट पार्टिसिपेंट आ गया है, तुम्हारे ग्रुप से फर्स्ट पार्टिसिपेंट यहाँ आए। मैं टेस्ट कर रहा हूँ कुछ नहीं दिख रहा। अब आते हुए फर्स्ट पार्टिसिपेंट, तुम मुझे बता देगा मैं कहां से देखूंगा, कान तो छोटे छोटे से लग रहे छोटे छोटे लग रहे इस टीम से नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आते हुए अब जाते हैं नेक्स्ट वाले टीम के पास। तो हम आपकी टीम से कौन? हम ही जा रहे हैं। वो खुद ही जा रहे हो? यस। अच्छा ठीक है, चलो आओ। सिर्फ यही यूज कर सकते हैं क्या ब्लाइंड फोल्ड? नहीं नहीं, सिर्फ यही यूज कर सकते हैं। हाँ यही तो है। पता, टी शर्ट उतार के बैठ जाए, चार बैठेंगे, बोल दे। ए उसको बोल देना भाई, बाल नहीं चेक कर सकता मेरे को। ठीक है, मैं नंगा बैठ रहा हूं। बताओ, कान्या नंबर वन, कान्या नंबर वन, कान्या नंबर वन, कान्या नंबर वन। ठीक है, जी ओ जीतने के लिए तो जीतने के लिए सब
खोल दिया ये लोग ने। आओ सर, नाक दर्द कर रही है तो इसलिए ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। सो गाइस, सुपर ट्राई हार्ड मेकअप के बाद ठीक है, रेबेल का राउंड शुरू होता है। रेबेल फर्स्ट पार्टिसिपेंट। भाई तेरे बाल बाल काटने क्या हुआ? ये क्या है? कपड़े गए? तो अब बोलो, गेस बोलो अपना। सब कुछ तो टच कर लिए, महसूस कर लिए, अब तो अपना गेस बोलो। मांबा मांबा ने ट्राई हार्ड तो किया था भाई। अरे यार, जितना कर सकता था करा, इससे यार कपड़े उतार देता तो भाई बचता ही क्या। सो गाइस, रेबेल का सेकंड पार्टिसिपेंट। दाढ़ी माप रहे हो, दाढ़ी माप रहे हो। माप मार रहे थोड़ा। अभी ये क्या आ गया अचानक? देखिए बाल जो है ना, ये पहचाने लग रहे हैं, थोड़े कम है ग्रोथ। अमन अबे मैं हाइट भी बढ़ाया, माफिया जी। अबे एकदम से बढ़ गई हाइट। अरे ये बाल में छुपाने के लिए ये लगाया था, ये मैं बाल छुपाने के लिए ये लगाया था, ये सही लगाया ही नहीं किसी ने। So guys, हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट गेम में, जिसका नाम है Try Not To Laugh। हर टीम से एक बंदा जाएगा, जिसके अगेंस्ट पूरी ऑपोजिट टीम आएगी। एक बंदे जो उस टीम से बंदा आएगा, उसके मुंह में पानी भरी रहेगी। एक और टीम को उसको हंसा के, नाच के, गा के, तुम जो कर सकते हो, तुम्हें जो मन में आई, और फ्री टू बी क्रिएटिव, आपको उसको हंसा के उसको स्पिल करवाना है उसका पानी। So guys, हमारी टीम से आ रहे हैं चैंपियन, ठीक है। इस चैंपियन के साथ हम शायद दोनों गेम्स में एडवांटेज होगी, हंसाने में भी और ना हंसने में भी। अरे वो सुना है तुम लोगों ने, सीट भाई को ट्रोल करने के लिए एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं। क्या क्या? हेटर लोग। क्या सीवेज? क्या क्या सीवेज? सीवेज सीवेज कर दिया। अच्छा सीवेज कर दिया, दिमाग तो है बे। अच्छा सीट भाई, गाड़ी कैसी है? बढ़िया है। कुछ हुआ था? और दाढ़ी है? बढ़िया है। गाड़ी दूध मिल रहा है? नहीं मेरा, मैं तो देता नहीं। और टॉप स्पीड कितनी चलाई सिड भाई? आपको चलानी नहीं आती? दिखाने के लिए लिए क्या है? पैसा दिखाते जनता को, बस खत्म हो गया क्या तुम? और नहीं था क्या? नहीं इसके ऊपर नहीं था, कुछ और सारा स्क्रीन पे निकालेगा तो मेरे को क्या करो, उसको उधर करना है। अच्छा ये टैटू किसको दिखाने के लिए बनवाया आपने? तेरे को। मेरे को कभी दिखाया तो नहीं मेरे को? पूरा पूरा उतारो, शर्ट उतारो, नहीं शर्ट उतारो, पूरा दिखाओ। नीचे भी बनाया है? किधर? नीचे बॉक्स पे। नीचे नहीं 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 दिखा रहा मैं। मेरा रोज चल रहा है इधर बिना बोले। दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा क्या? सर भाई सबसे बढ़िया बंदा कौन सा लगता है आपको गेमिंग हाउस में? कौन लगता है? गोल्डी भाई। गोल्डी भाई बोले क्या बोला रे साहब से? गोल्डी कौन है? गोल्डी भाई बोले। गोल्डी भाई ऐसे मैंने गेस नहीं किया। गोल्डी भाई के, मैं तो गोल्डी भाई के ऊपर गाना गा रहा था। गोल्डी भाई थे क्या? बात अच्छी लगती होगी। सही क्या होता है? फिर साइज पे जा रहे हैं आप? फिर साइज पे जा रहे हैं? जा नहीं चले जा रहे हैं हर बात पे। थक थक अच्छा नहीं लगता आपको? थक अच्छा नहीं लगता? ठीक ठीक लगता है। हाँ गाड़ी इसके बाद से तो सोच लीजिए, फिर पेमेंट वेमेंट थोड़ा मैटर हो जाएगा। वो सेटल है, ऑल गुड है, ऑल गुड है। अच्छा तुम लोग स्पेक्टेटर हो? आप बीच में बारिश करे जा रहे हो, बीच में मैं बोला था आओ, कोई जाते हो? आपको रेबेल बढ़िया लगता है? हाँ कितना बढ़िया लगता है? क्या बात अच्छी लगती है उसकी? ओह माय गॉड। अच्छा दूध उधर से दिलाते हैं? भाई ही वाज सपोज्ड टू बी योर फ्लैग बेयरर, वो तो फ्लैग फाड़े दे रहे हैं। नीचे से कुछ अच्छा लगता हो तो बता दो रेबल का। सब टर्न ऑफ है बे, ये सब हंस रहे होते हैं, ऑफ कर देता है बटन। क्या बोलता है मालूम है? स्काउट स्ट्रीम पे बोलता है उसका MCB ट्रिप हो गया था।
मैंने बोला एमसीबी ने तुम्हारी एमसी बिजी कर दी स्ट्रीम की। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल जॉब ब्रो। तुम्हारा स्ट्रीम का कमेंट याद आ रहा है जो तुम स्ट्रीम पे बोलते हो। कौन सा? It was so funny that I forgot to laugh, but I still remembered somehow. यार बात ये है कि me, we and Sid भाई, we know each other for not a very long time. Yeah. तो अगर मुझे इसकी फाड़नी हो, I have like 10 lakh things to like say ना. Say one. One. उसी में बोल रहा था। अब उनके मुंह में पानी उबल चुका है। हाँ ना भाई। अबे आटे हो भाई, चलो। नहीं हो पाया। चलो। अनडिफीटेड चैंपियन है। हाँ, इनमें से कौन अनडिफीटेड चैंपियन? तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कितने ही टूर्नामेंट पहले हो गए हैं। हमारे टीम में कोई नहीं बोल रहा था, मेरे को पता नहीं था कौन से बैरियर्स हैं जहाँ तक जाने चाहिए, इसमें नॉर्मल बातचीत कर रहा था। लेकिन हमारी टीम में यहाँ दो जो बैठे थे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल ही फटीचर। सो गाइस, फर्स्ट राउंड में तो यहाँ पे सिड भाई आए थे, अप्रम कोशिश के बाद भी मामा मेनली ट्राई कर रहे थे बट तब भी नहीं कर पाए। तो हम जाते हैं नेक्स्ट वाले टीम के पास। ये है वो पैनल जो उनको हंसाने की ट्राई करेगी। इस वाले टीम से आ रहे हैं, बहुत डिस्कशन के बाद नमन हमारे आ रहे हैं इस टीम से। नमन भाई कैसे हो? सब बढ़िया। आजकल गए नहीं घर, आज लेट हो रहा होगा आपको। इसके बाद जाना है। सुनो, इसके बाद जाना है। अरे तो फिर मोटर कब खोल रहे? मोटे बबले स्पोर्ट्स। मोटे बबले वाले इसका भी था। मोटे बबले स्पोर्ट्स, हाँ, तीन लोग हैं उसमें, रेबल मोटल माफिया। लोनावला जा रहे हम लोग, ठीक है, जा रहे जा रहे जा रहे, अचानक से रियलाइज किया कि उमंग गाड़ी नहीं, फिर अर्ज किया है, अर्ज किया है, क्या है तुम्हारे शब्दों से? वाह अर्ज किया है तुम्हारे शब्दों से, वाह दिल में घुसी सुई, दिल में घुसी सुई तुम्हारी शब्दों से, दिल में घुसी सुई, उई उई उई। क्लोज था यार, क्लोज था, क्लोज था वो। अरे जब शायरी शुरू हुई तभी आ गया था, तभी आ गया था जब गूगल लंग सोसाइटी बना, तेरे को पता है मर्जी। हाँ बस आदि भाई हैं, तारक भाई हैं, जेठा भाई। एक तो सबसे ज्यादा मेरे को इधर आया साला, सब लोग आपस में बात कर रहे, बीच में से एक आवाज आई, दो तीन बार चुम्मा देने की आवाज है ऐसे, ठीक है। गाइस जस्ट लेटिंग यू नो, एसएटीयूएल का मर्चेंडाइज जो है, नया वाला डिजाइन लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाइए SATULStore.in वेबसाइट पर चेकआउट करिए, बहुत ही अमेजिंग डिजाइन है। ऑल्सो वी आर वेरी क्लोज टू 1 मिलियन, फटाक से जितने लोग देख रहे हो सब्सक्राइब करो। टकला कौन होगा पता ही है आप में से, 5 लकी विनर्स चूज करे जाएंगे टकला करने, या फिर जिसको टकला होना था और जिसने टकले अब तक अपने बालों के मुंडन नहीं करवाया उनको हम लोग कराएंगे। हाँ, गोल्डी भाई ने एक बार कहा था कि वो होंगे बन उनमें, वो हो गए, आप लोग अभी हो गए वो। एनीवेज गाइस, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।